नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रोफेसर पर। दोस्तों जैसा कि पता है आप लोगों को, यहाँ पर आरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैं यहाँ पर मैथ्स लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इसमें जो भी आपके आरबी एनटीपीसी के सिलेबस में है जो भी मैथ है वो सारे लेक्चर्स यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। एक कंप्लीट मैथ स्टडी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपसे एक रिक्वेस्ट हमारी रहेगी कि आप लोग इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इनको पहुँचाएँ ताकि हम लोग इन चीज़ों को कंटिन्यू रख सकें। दोस्तों यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आपसे और भी है कि यहाँ पर मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट में वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएँ न होने की वजह से मैं नोट्स के फॉर्मेट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका ऑलरेडी पहला वीडियो लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोगों ने कुछ नंबर सिस्टम्स के बारे में, कुछ संख्याओं के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में वीडियो लेक्चर पढ़ा था। उसमें मैंने सारी भाज्य अभाज्य इवन और सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जो मैंने बनाई है कंप्लीट मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उस नाम से आपकी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और वहां से जाकर आप उसको देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग यहां पर यूनिट डिजिट के बारे में जानेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट पता करना, किसी भी चीज़ की जो किसी भी रिएक्शन समीकरण है या किसी भी वैल्यू है उसकी यूनिट डिजिट के बारे में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि जोड़ और घटाओ यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में किसी तरह से कैसे हम यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक से यहाँ पर चलेंगे, बहुत ही बेसिक से चलते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यह कहे 30 + 61 + 32 + 67, इसमें आपको यूनिट डिजिट बतानी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप ऐड करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 और 1 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 और + 7 यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 का यूनिट डिजिट कितना होता है 1 होता है। नॉर्मल है, बहुत ही आसान है, इसमें फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 7 - 5 हो जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दूसरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें लॉजिकल है। यहाँ पर दोस्तों हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, दोस्तों यहाँ पर आप यूनिट डिजिट इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है, यानी कि 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आप कैरी लेते हैं इधर से, तो ये 16 हो जाता है और 16 - 8 हो जाता है, तो यहाँ पर 8 आता है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लास्ट में क्या है 6 है, यहाँ पर माइनस क्या हो रहा है 8, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 16 हो जाता है, 16 - 8 जब होगा तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 8 हो जाता है, यानी कि ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी इक्वेशन थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, उसमें इस तरह से यूनिट डिजिट फाइंड करने में थोड़ा सा दिक्कतें आने लगती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे इसको हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम 6 - 8 यानी कि 6 से तो 8 जाएगा नहीं, तो हम 8 - 6 कर देते हैं, या ऐसे ही आप कर सकते हैं 6 - 8 कर सकते हैं, 6 - 8। जब 6 - 8 हम करेंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर वैल्यू हमें -2 फाइंड होती है वहाँ पर तुरंत उसको 10 से माइनस कर देते हैं, यानी कि 10 से हम उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 10 - 2 = 8 हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इस तरह से सीधे सीधे करते हुए चलेंगे हमको कैरी वाला प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, हम यूनिट डिजिट यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर 6 है लास्ट में और यहाँ पर कितना है 8 है, तो 6 - 8 हम करेंगे यानी कि -2 हो जाएगा, और जहाँ पर वैल्यू माइनस की वैल्यू आ जाती है तो उसको हम उस वैल्यू को 10 से माइनस कर देंगे, यानी कि 10 - 2 = 8 आ जाएगा। देखिए उससे भी 8 आ रहा था, इससे भी 8 आ रहा था, तो इस प्रकार से करते हुए चलेंगे। जब भी हमें वैल्यू माइनस प्राप्त होगी तो उसे 10 से हम माइनस कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी वो आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि एक थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर है क्वेश्चन, इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों इसमें जब हम करते हैं, देखिए 6 और यहाँ है क्या है 7 है, ठीक है। 6 + 7 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 6 + 7 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 ले लिया हमने, 3 को 3 - 2 किया, देखिए लास्ट में इसके 2 है, 3 - जब 2 किया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 - 2 किया कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर ये 1 - 4, देखिए 1 - 4 किया हमने, तो 1 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, 1 - 4 क्या करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 का मतलब क्या हो जाएगा 10 से हम 3 को माइनस कर देंगे, यानी कि 7 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था, जब भी माइनस वैल्यू फाइंड होगी आपको सीधे सीधे फॉलो करते हुए चलना है, जैसे कि 6 लास्ट में 6 और 7 कितना हो 13 होगा, 13 का मतलब यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा, फिर 3 को जब हम नेक्स्ट से देंगे 3 - 2 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 1 - 4 तो 1 - 4 मतलब कि -3 हो जाएगा, या आप ऐसे कर सकते थे कि इसमें
कैरी करते हैं, उस फॉलो को प्रोसेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी है। तो एक माइनस सीधे सीधे क्या कर देंगे, एक माइनस तीन यानी कि माइनस का तीन आ गया। अब माइनस का तीन आ गया तो मैंने बताया जब माइनस की वैल्यू आएगी तो उसको हम 10 से माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे वो हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी। तो 10 माइनस 3 यानी कि 7 आपका देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो ऐसे इसको फॉलो करेंगे। ये तो आपका होगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में। उसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपका सिंपल ऐसे आता है, यहाँ पर अगर आपका यूनिट आता है इसमें आपसे पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप छोटी सी क्वेश्चन इसको फाइंड कर सकते हैं। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 56 आ जाएगा, 56 की यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, फिर 6 को 9 से करेंगे और फिर 4 आ जाएगा, 4 को फिर 2 से करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो आप नॉर्मली इसको कर सकते हैं, लेकिन उस अगर इस तरह की क्वेश्चन हमें फाइंड होती है, इस तरह की क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, अगर इस तरह की क्वेश्चन हमें फाइंड होती है इस फॉर्मेट में, यानी कि 1 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 एंड सो ऑन 99, तो इसकी यूनिट डिजिट 0 होगा। अच्छा, ये 0 क्यों होगा यूनिट डिजिट, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये भी आगे मैं एक वीडियो लेक्चर आपको पढ़ाऊँगा, लास्ट 0 फाइंड करना, यानी कि किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने में या किसी भी क्वेश्चन के बाद में कितने 0 आ रहे हैं ये हम लोग फाइंड करना आपको बताएंगे। तो वहाँ पर एक रूल होगा कि हम 0 किसी भी संख्या में लास्ट में 0 कितने आ रहे हैं ये ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि उसके अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 के जोड़े जितने बन रहे होंगे उतने उसमें 0 आएंगे। ध्यान रखिएगा, 2 और 5 के जितने ही जोड़े उसमें बनेंगे, जितने ही जोड़े बनेंगे उतने वहाँ पर 0 आएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जान सकते हैं आपकी 2 और 5 का एक जोड़ा तो आपको इसमें दिख ही रहा है, शुरुआत में ही आपको दिख गया, और इसी तरह से बहुत सारे इसमें 2 और 5 के जोड़े बन जाएंगे। हमें सिर्फ लास्ट डिजिट निकाली है यहाँ पर, तो ये तो हमें कन्फर्म होगा कि 1 0 लास्ट में तो इसमें आएगा ही, क्योंकि 2 और 5 का एक जोड़ा तो हमें यहाँ पर दिख ही रहा है, तो 1 0 तो लास्ट में आएगा ही। उसके आगे जितने भी पावर 2 और 5 मिलेंगे उतने 0 और बढ़ते चले जाएंगे। तो चूंकि हमें तो यूनिट डिजिट निकालनी है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको समझेंगे। अगर इसमें कोई डाउट होगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगला दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, अब इस तरह के फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। अभी तक तो ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, अब यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर क्या है, आधार की अगर घात लगी हो, कोई आधार हो उसमें अगर कोई घात लगी है तो उसकी यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि अगर 5 की पावर 17 है यहाँ पर दिया हुआ है, तो 5 को 17 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इस मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। जैसे कि अगर आप किसी भी संख्या को देखते हैं, अगर कोई भी संख्या है यानी कि जो आधार है वो 0 1 3 0 1 2 3 9 इन्हीं जो है संख्याओं से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं संख्याओं के से एंडिंग होगी उसकी, यानी कि कोई भी यानी कि बेस हम ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 1 3 4 5 2 2 5 6, यानी कि मेरे कहने का मतलब है लास्ट में जो देखिए जो संख्याएं आ रही हैं तो ये कौन सी हैं, 0 से लेकर 9 तक की यही सारी संख्याएं होंगी, और तो कोई संख्या आ नहीं सकती। इसी तरह से अगर कोई भी घात होगी, कितनी भी बड़ी घात होगी, उसमें लास्ट में 0 से लेकर 9 तक के बीच की ही संख्या होगी, ये आप कन्फर्म होंगे। ठीक है, जैसे कोई भी घात लें 2 1 4 5, कोई भी घात लेते हैं 2 1 4 5 6 3 2 1 4 3 7 2 3, ये सारी मान लीजिए मैंने पावर बताया कि इतनी पावर है। अब देखिए इसमें 4 3 4 6 यानी कि 1 से लेकर 9 तक की ही संख्या इसमें भी आ रही हैं। इसी तरह से आधार में भी 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का ही लास्ट में आ रही हैं। तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहला हमारा जो नियम निकल कर आता है, पहला हमारा जो रूल यहाँ पर निकल कर आता है वो है, जब आधार के इकाई का अंक 0 1 5 6 क्या है, 0 1 5 और 6 हो, तो किसी भी घात के लिए इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उसकी यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही यूनिट डिजिट हो जाता है। यानी कि अगर किसी भी आधार, किसी भी वैल्यू के आधार में कोई भी जो आधार दिया होगा, यानी कि जो बेस दिया होगा, उसके अंत में अगर 0 1 5 या 6 आता है तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी उसमें घात कोई भी आप लगा दें वो वही संख्या होगी जो उसके लास्ट में आ रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल जो है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 0 3 2 0 2 3 0, इसकी पावर कितनी लगी हुई है, 3 7 6 8। अब यहाँ पर दोस्तों हमें इस पावर को नहीं देखना है, हमें देखना है ये जो आधार दिया हुआ है इसके लास्ट में 0 आ रहा है। मैंने बताया कि जो आधार होगा उसके लास्ट में अगर 0 1 5 या 6 आ रहा है तो वही संख्या उसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। जैसे कि इसके आधार में लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 ही इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें 4 2 6 1 2 1 6 6, अब देखिए यहाँ पर हमें आधार को देखना है,
यहाँ पर हमें इसके घात को नहीं देखना है, इसकी पावर को नहीं देखना है, इसके बेस को ही देखना है। अब बेस में लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, वन आ रहा है। मैंने बताया जब किसी के बेस में 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई संख्या आएगी तो वही उसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी, यानी कि लास्ट में यहाँ पर एक अगर बेस में आ रहा है तो बेस ही यानी कि एक ही इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर लास्ट में देखिए 5 आ रहा है इसके बेस में, तो जो अंतिम यहाँ इसकी यूनिट है 5 है, तो 5 ही इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप अंतिम डिजिट क्या है, 6 है, तो 6 ही इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। अब ये कैसे बना है, देखिए 0 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 0 ही आएगा, अगर 1 को हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। अगर हम यहाँ पर 5 भी लेते हैं तो 5 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में क्या, 5 ही आएगा। इसी तरह से अगर हम 6 को लेते हैं तो 6 को भी कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 6 ही आएगा। जैसे आप देख सकते हैं अगर हम 6 को यहाँ पर 6 को 6 × 6 × 6 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में इसके 6 ही आ रहा है, जो भी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है लास्ट में 6 आ रहा है। इस तरह से इसको 6 × 6 × जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 6 ही आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि अगर 0, 1, 5, 6 तो इसकी घात से कोई मतलब ही नहीं, कितनी भी घात, यानी घात का मतलब क्या है, उस संख्या को उसी संख्या से जितनी घात दी है उतनी बार मल्टीप्लाई करना। अब हम घात से क्या यहाँ पर मतलब है कि जब हमें निकालनी है यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट लास्ट की संख्या होती है, लास्ट की संख्या निकालने के लिए जब हमने बताया आपको कि अगर आपका 0, 1, 5 या 6 इसमें से कोई भी संख्या आ रही है उसको अगर उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई कितनी भी बार की क्यों ना कर दें लास्ट में वही संख्या फाइंड होती है। तो इस प्रकार से 0, 1, 5 और 6 इनकी सबकी क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट वही संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके आई थिंक समझ में आगे हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और भी क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, एक, जीरो, एक, पाँच और छः इन चार चीज़ों के रूल को हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे 4 और 9, जिसके आधार में अंत में 4 और 9 आता है, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर इस चार्ट को फॉलो करेंगे और इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखिए यहाँ पर 4 की पावर 1 करते हैं तो ये कितना हो जाता है 4, अगर 4 की पावर 2 करते हैं तो ये कितना हो जाता है 16, 4 की पावर 3 करते हैं ये हो जाता है 64, और 4 की पावर 4 करते हैं तो ये हो जाता है 256। इससे देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर क्या देखा, देखिए जब 4 की घात 1 है, यानी कि 1 क्या होता है 2, 3, 4, यानी कि जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब 4 की पावर 20 आ रही है तो हमें वही संख्या यूनिट डिजिट प्राप्त हो जा रही है, यानी कि 4 की पावर 20 आ रही है तो यानी कि हमें 4 ही यूनिट डिजिट के रूप में मिला है। और जब 4 की पावर 10 आ रही है, यानी कि देखिए 4 की पावर 2 और 4 की पावर 4, तो जब 4 की पावर 10 मिलती है, यानी कि 4 की घात जब हमें 10 मिल रही है तो हमें लास्ट में 6 मिल रहा है, यानी कि तब हमें यूनिट डिजिट 6 मिल रही है। इसी तरह से अगर हम इसमें देखते हैं 9 की पावर 1 = 9, 9 की पावर 2 = 81, 9 की पावर 3 = 729, और 9 की पावर 4 = 6561। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे कि अगर हम 9 की पावर 20 रखते हैं तो हमें 9 ही यूनिट डिजिट के रूप में मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 9 की पावर 1 रखा तो 1 9 मिला, 9 की पावर 3 रखा तब भी लास्ट में हमें 9 मिला, और जब हम 9 की पावर 10 रख रहे हैं तो हमें यूनिट डिजिट 1 मिल रही है, लास्ट में हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो इस प्रकार से इस चार्ट को आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पर आधार की इकाई का अंक, देखिए यहाँ पर अगर 4 के बारे में पहले देखते हैं, अगर हमारा अगर पावर हमारा क्या है सम है तो हमें क्या यूनिट डिजिट मिलेगा 6 मिलेगा, और अगर हमारी पावर विषम है तो हमें 4 ही मिलेगा। 9 के बारे में अगर देखते हैं तो अगर हमारा पावर सम है तो 1 हमें यूनिट डिजिट मिलेगा, और अगर हमारा पावर विषम है तो हमें 9 यूनिट डिजिट मिलेगा। अब चलिए क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर समझते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला अगर क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 31 44 की पावर 123। अब यहाँ पर देखिए आधार में लास्ट में क्या है 4, ठीक है, 4 के बारे में मैंने क्या बताया कि अगर विषम संख्या पावर में होगी, देखिए 123 क्या है विषम है, विषम पावर यहाँ पर है, तो हमारा जो 4 है वही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी कि देखिए 4 ही यहाँ पर यूनिट हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं अगर 31 44, देखिए 124 पावर लगा दी, यानी कि अब पावर किस, अब कौन सी पावर है, ये सम होगी, पावर क्या हो जाएगी सम हो जाएगी, तो सम की स्थिति में क्या होता है जो यूनिट डिजिट, अब देखिए यहाँ पर ये 4 के रूप में किसके रूप में ये नियम फॉलो हो रहा है, जब हमारा किसी आधार में अंत में 4 है, 4 और 9 के बारे में यहाँ पर हम जान रहे हैं, अगर आधार में लास्ट में 9 आ रहा है या 4 आ रहा है तो उस कंडीशन में यूनिट डिजिट कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर अगर 31 44, यानी कि देखिए लास्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और मैंने बताया 4 का रूल क्या है कि अगर विषम संख्या आती है तो 4 ही यूनिट डिजिट हो जाता है, और अगर सम संख्या आती है तो 6 यूनिट डिजिट होता है। तो यहाँ पर देखिए 124 यानी कि सम संख्या आ रही है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से 9 के सापेक्ष में देखेंगे 31 49 अगर हम यहाँ पर लेते हैं और 123 इसकी पावर लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए पावर क्या है विषम है और 9 है, तो इसका रूल क्या होगा, अगर
नौ के सापेक्ष में रूल क्या होता है कि अगर विषम पावर उसकी लगी होगी तो यूनिट डिजिट नौ ही होगी, यानी कि वही संख्या होगी, और अगर सम पावर लगी होगी तो यूनिट डिजिट एक आएगी, यानी कि लास्ट में एक आएगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 3149 यानी कि लास्ट में नौ है और इसकी पावर 124 यानी कि सम संख्या लगी है पावर। तो इस प्रकार से जब सम संख्या पावर होगी तो लास्ट में क्या आएगा, वन आएगा यूनिट डिजिट नौ के अकॉर्डिंग। तो ये आपने अभी तक क्या क्या सीखा, 0, 1, 5, 0, 1, 5 और 6, फिर 4 और 9, इन चीज़ों के बारे में आपने यूनिट डिजिट पता करना सीख लिया, ठीक है, जिनके आधार में लास्ट में 0, 1, 5 जिनके, देखिए यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ, जिनके आधार में लास्ट में 0, 1, 5, 6, 4 और 9 इतनी संख्याएं आ रही हैं आधार में लास्ट में, उनका यूनिट डिजिट क्या होगा, किसी भी पावर के जाने ऊपर कोई भी पावर लगी हो तो उनका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये नियम हमने अभी तक यहाँ पर देख लिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं। अब बचे हुए कौन कौन से क्वेश्चन हैं, बचे हुए अंक कौन से बचे, 2, 3, 7 और 8, क्या बचा है, 2, 3, 7 और 8, ये हमारा यहाँ पर बच रहा है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर किसी के आधार के इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो, ध्यान रखिएगा कि अगर किसी के आधार के इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो उसका हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, उस पर कोई भी पावर लगी हो तो कैसे उसका यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि जो संख्या होगी जिसमें आधार का अंक, आधार का जो इकाई का अंक है यानी कि अंतिम अंक है, जो यूनिट डिजिट है आधार का इकाई का अंक है, उसमें अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो क्या करेंगे हम, उसमें जो भी पावर लगा होगा उस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसकी पावर को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद जो भी रिमाइंडर हमारा आएगा यानी कि जो भी हमारा शेष फल आएगा उससे, उस शेष, वो शेष फल हम आधार का जो यूनिट डिजिट होगा उसकी पावर बना देंगे, उस शेषफल को क्या करेंगे, आधार की जो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक होगा उसकी पावर बना देंगे, फिर जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी उस वैल्यू की इकाई का अंक जो होगा वो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन देखेंगे तब आप लोग अच्छे से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने लिया 2, 7, 2, 8, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसको मैंने 4 से भाग क्यों किया है, ये मैं यहाँ पर देखिए बता देता हूँ। 4 से भाग इसलिए हम लोग करते हैं कि अगर देखिए 2 की पावर 1 लेते हैं तो 2 आता है, 2 की पावर 2 लेते हैं 4 आता है, 2 की पावर 3 लेते हैं 8 आता है, 2 की पावर 4 लेते हैं 16 आता है, यानी कि देखिए 2 की पावर 1 में आपका लास्ट में क्या आया, 2 आया, 2 की पावर 2 में लास्ट में आया 4 आया, 2 की पावर 3 में लास्ट में क्या आता है 8, 2 की पावर 4 में लास्ट में क्या आता है 6 आता है। फिर जैसे ही हम 2 की पावर 5 लेते हैं ये फिर से रिपीटेशन होने लगता है, देखिए लास्ट में 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, यानी कि इसकी जो साइकिल बनना है 4, ठीक है, 4 तक आपका साइकिल यहाँ पर बन रहा है, उसके बाद ये रिपीटेशन हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं, और इन सारी संख्याओं के साथ यही साइकिल बनता है, इसलिए 2, 3, 7 और 8 इन सब के लिए ये रूल यहाँ पर फॉलो किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 27, 28 की पावर 300, यहाँ पर ये देखिएगा 27, 28 की पावर 343 है, ये 43 है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये है 43, ठीक है, तो 27, 28 की पावर 1343 है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट अब हमें इसका फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बताया गया था कि आधार के इकाई का अंक अगर 2, 3, 7 या 8 में से कोई हो, तो देखिए यहाँ पर 8 है लास्ट में, आधार की इकाई का अंक क्या है 8 है, अब इसके लिए हमें नियम को फॉलो करना है। तो मैंने क्या बताया था कि पावर को हम 4 से भाग करते हैं, तो 1343 को हम 4 से भाग करेंगे, और एक रूल हम रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताएंगे, जब रिमाइंडर थ्योरम की शेषफल पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे कि अगर किसी की लास्ट में जो है 4 का रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, अगर 4 से डिवाइड करना है उसका रिमाइंडर थ्योरम फाइंड करना है, तो हम लास्ट की 2 डिजिट को सिर्फ फाइंड करते हैं, मतलब अगर 4 से भाग करना होता है किसी डिवाइड को, उसका हमें शेषफल ज्ञात करना होता है, तो हम सिर्फ 4 को न भाग करके सिर्फ लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं उनको 4 से भाग करते हैं, और जो भी वैल्यू आती है वही हमारा, जो भी हमारा शेषफल आता है वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, शेषफल उसमें थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस 43 को ले लेते हैं, उसको 4 से भाग कर लेते हैं, आप चाहें तो पूरी को भी कर सकते हैं, वही चीज़ फाइंड होगी रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे। तो 43 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है 3 बचता है, जब 43 को हमने 4 से भाग किया तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 3। अब मैंने बताया कि जो भी रिमाइंडर हमारा बचेगा उसको जो हमारा आधार होगा उसका जो इकाई का अंक होगा उसकी पावर बना देंगे, तो आधार की इकाई का अंक क्या है 8, 8 की पावर हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे, क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर आया था। जब हमने इसको 3 किया तो हमारा वैल्यू क्या फाइंड हुआ 512। अब 512 का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या है 2, तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा जो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है।
एक और क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर आपको समझा देते हैं। जैसे 31737 है, अब देखिए यहाँ पर 7 दिया है, आधार की इकाई अंक क्या है 7, तो इसमें भी वही नियम फॉलो होगा। यहाँ पर देखिए 141 53 दिया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, जब इकाई अंक 7 यहाँ पर आ रहा है आधार की इकाई अंक, तो क्या करेंगे हम, जो हमारी पावर होगी उसको हम 4 से भाग करेंगे। और जब हम 4 से किसी को भाग करते हैं उसका हमें रिमाइंडर फाइंड करना होता है, तो हम लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग कर लेते हैं और जो भी शेषफल आता है वही हमारा शेषफल हो जाता है। तो यहाँ पर 53 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा रिमाइंडर। अब मैंने बताया जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसको जो हमारा आधार की इकाई का अंक होगा, यानी कि आधार की इकाई अंक क्या है 7, उसकी हम पावर बना देंगे। तो 7 की पावर 7 कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक आप नोट करिएगा चीज़ कि अगर शेषफल 0 आए तो 0 की जगह 4 का प्रयोग करना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर शेषफल 0 आता है तो 0 की जगह 4 का प्रयोग करना होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम कर देते, अगर हम इसी संख्या को ले लें 31737, ठीक है, और इसकी जो पावर है ये हमने लगा दिया 41 53 की जगह यहाँ पर मान लीजिए 48 कर दिया, ये हमने पावर लगा दी। अब इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए पूरी डिवाइड हो, 4 × 4 = 4, 2 = 12, यानी कि पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो 0 हमारा रिमाइंडर उसको हम 4 कर देंगे, यानी कि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 की पावर 0 न करके यहाँ पर 7 की पावर 4 करेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो हमारा यहाँ पर यूनिट डिजिट लास्ट में उसका जो इकाई अंक होगा वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा सा मिक्सिंग रहती है क्वेश्चंस की, उनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, जैसे इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं क्या इसका यूनिट डिजिट होगा। देखिए यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या संख्या हमारा 43 36 की पावर 125 321। मैंने बताया था कि जब भी लास्ट में 6 आता है आधार में इकाई अंक, अगर आधार की इकाई अंक 6 होगा तो वही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी कि चीज़ का तो 6 ही हो जाएगा। साथ में मैंने ये भी बताया कि अगर 5 आधार की इकाई अंक 5 आता है तो उसका यूनिट डिजिट भी वही हो जाता है, यानी कि इसका भी 5 हो जाएगा। यहाँ पर हमें आधार से या पावर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 7 आया, 7 के बारे में मैंने क्या बताया था कि उसको हम, उसका जो पावर होगा उसको 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद जो भी हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा वो रिमाइंडर उसके आधार के इकाई के अंक की पावर बना देंगे, फिर उसकी वैल्यू की जो भी इकाई के अंक होगा वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आया 3, इसके आधार का इकाई अंक 7 है, 7 की पावर 3 कर दिया हमने, 7 की पावर 3 343 होता है, 343 का इकाई अंक क्या होता है 3 होता है, तो ये 3 हो गया। तो यानी 6 + 5 + 3, 6 × 5 = 11 × 3 = 14, यहाँ पर 14 हो गया, 14 का इकाई अंक क्या है 4, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको देखेंगे। फिर इसी तरह आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहां पर आप जब देखेंगे तो देखिए यहां पर ये 9 है, 9, और मैंने बताया था कि जब 9 होगा तो अगर संख्या विषम है, 4 और 9 के बारे में मैंने क्या रूल बताया था कि अगर संख्या सम है तो वहां पर 1 आ जाता है, अगर इकाई अंक आधार के इकाई अंक 9 है, तो 9 या 4 है इन दोनों में से कोई चीज़ है, तो अगर 9 है तो अगर संख्या, अगर पावर विषम है तो वह 9 ही उसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक हो जाएगा, और अगर सम है तो वो जो है 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, विषम है तो 9 ही इसका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5 की कंडीशन में क्या देखेंगे, 5 का 5 ही होता है, यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा, 6 का 6 ही होता है, 6 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 4 और 9 के बारे में बताया था, यहाँ पर संख्या है विषम, विषम में क्या होता है वही संख्या हो जाता है यूनिट डिजिट, यानी कि इसके लास्ट में 4 है तो 4 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 323 का देखेंगे तो 2 3 4 2 3 7 8 के बारे में हमने जो पढ़ाया था कि लास्ट में अगर आता है तो उसको 4 से भाग करते हैं, तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना जाएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर, 1 यानी कि 3 की पावर 1 हो जाएगा, तो 3 ही हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, फिर उसके बाद 4 से 6 जाएगा, तो देखिए 4 से जब 6 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 और -4 यानी कि -6 हो जाएगा, -6 से जब +3 जाएगा तो -3 बचेगा। जब मैंने बताया जहाँ पर भी माइनस की वैल्यू आती है उसको हम 10 से माइनस कर देंगे, तो 10 से माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा 7, यानी कि हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन से। अब हम थोड़ा सा एक और टॉपिक यहाँ पर देखेंगे, फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे कि फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे। दोस्तों फैक्टोरियल के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर हम 5 का फैक्टोरियल देखते हैं तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से 5 का फैक्टोरियल होता है। अगर हम बात करते हैं 6 के फैक्टोरियल की तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से फैक्टोरियल निकाला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम समझे कि इसका जनरल फार्मूला ये होता है कि अगर फैक्टोरियल n है तो n n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन
गुणे थ्री गुणे दो गुणे एक, इस तरह से यहाँ पर होता है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर फैक्टोरियल जीरो है तो इसकी वैल्यू वन आती है, अगर फैक्टोरियल वन है तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। दो चीज़ ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होती है एक और फैक्टोरियल वन की वैल्यू होती है वन। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ये हमारी इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में इकाई का यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, ये हमें फाइंड करना है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये हमें पता करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। सबसे पहले हम फैक्टोरियल निकालते हैं और देखिए यहाँ पर एक का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दो का फैक्टोरियल दो गुणे एक हो जाएगा। तीन का फैक्टोरियल तीन गुणे दो गुणे एक हो जाएगा। चार का फैक्टोरियल चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक हो जाएगा। पाँच का फैक्टोरियल पाँच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ तक अगर हम चार तक देखते हैं तो यहाँ पर हमें दो और पाँच का कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलता है। चार तक अगर हम देखते हैं तो दो और पाँच का कॉम्बिनेशन क्या है, हमें कहीं नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही हम पाँच का फैक्टोरियल निकालते हैं तो पाँच के फैक्टोरियल में देखिए दो और पाँच का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यानी कि मैंने बताया था शेषफल प्रमेय में होता है, रिमाइंडर थ्योरम में, जब भी हमें लास्ट में जीरो फाइंड करना होता है किसी संख्या के कितने जीरो हैं, तो उसमें हमें ढूंढने होते हैं कि दो और पाँच के जोड़े कितने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, दो और पाँच का जोड़ा मिल गया, यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि इसके लास्ट में एक जीरो तो होगा ही। इसी तरह से इसके आगे के जितने भी फैक्टोरियल होंगे सब में और दो और पाँच के जोड़े मिलेंगे। तो जितने भी दो और पाँच के इसके आगे की जितनी भी संख्या होंगी सब में लास्ट में तो जीरो आएगा ही आएगा, ये तो एकदम कंफर्म हो गया। तो यानी कि अब चार तक ही हम देखेंगे, इसके आगे तो यहाँ पर जीरो आ रहा है, तो इन सबको छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर क्या कर दें, छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ चार तक फैक्टोरियल देखते हैं। तो फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक फैक्टोरियल की वैल्यू वन आ जाएगी, दो फैक्टोरियल दो की आ जाएगी दो, फैक्टोरियल तीन की छः और फैक्टोरियल चार की चौबीस। अब इन सबको जोड़ लेंगे, दो एक तीन छः नौ चार तेरह, तेरह यानी कि तेरह का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तीन, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। ठीक है, एक और स्थिति से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है क्वेश्चन हमारा, 238 की पावर फैक्टोरियल 9, ये हमें फाइंड करना है 238 की पावर फैक्टोरियल 9। इसकी अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे फैक्टोरियल 9 क्या होता है, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फैक्टोरियल 9 में आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर 8 आ रहा है, 238 की पावर क्या आ रहा है, 8। 8 का नियम क्या होता है कि अगर किसी की पावर की इकाई का अंक, अगर किसी के आधार की इकाई का अंक 8 आ रहा है तो हम क्या करते हैं कि उसकी जो पावर होती है उसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो उसकी पावर होती है उसकी पावर को हम 4 से भाग करते हैं, फिर जो हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है वो रिमाइंडर उसकी इकाई के अंक की पावर बना देते हैं, जो वैल्यू मिलती है उसके इकाई का अंक हमारा यूनिट डिजिट हो जाता है, ये नियम होता है। अब यहाँ पर यही नियम फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस नियम को हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम फैक्टोरियल 9 देखते हैं तो फैक्टोरियल 9 में 4 तो आ ही रहा है मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि ये कंफर्म है कि ये जो फैक्टोरियल 9 है ये 4 से पूरी तरह डिविजिबल है, यानी कि 4 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जब ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम जानते हैं कि 0 की जगह हम उसकी पावर 4 मान लेते हैं, 0 की जगह हम क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। अब 8 की पावर 4 हो जाएगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज का यहाँ पर टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से सारे टॉपिक आपको कंटिन्यू पढ़ाए जाएंगे, आप लोग बस हमारे साथ बने रहें और हमारा सहयोग करते रहें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।